हेलो गाइस, वेलकम टू टीआरबी एक्सपेरिमेंट। आज अपन बनाएंगे एक मॉस्किटो रैकेट का एक इन्वर्टर, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस मॉस्किटो रैकेट का जो मैंने अपन इन्वर्टर बनाने वाले हैं, तो इसके लिए अपने को बल्ब चाहिए होगा और एक होल्डर। और इसके बाद चलिए देखते कैसे बनता है अपना इन्वर्टर। और आपको एक बैटरी भी ज़रूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए, इस इन्वर्टर को। चलिए देखते कैसे बनता है इन्वर्टर। आपको लेना है एक मॉस्किटो रैकेट, जैसे कि मैंने ले लिया एक मेरे घर पर था जिसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी। तो मैं इसको खोल देता हूँ, जिसकी इस पर स्क्रूज लगे हुए हैं उसको मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी इस पर लगभग मुझे लगता है 5 स्क्रू लगे हुए हैं। इसको इसका स्विच बंद कर कर आपको खोलना है, क्योंकि आपको इसका करंट भी लग सकता है। मैं जल्दी जल्दी खोल कर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का सिस्टम कैसा होता है। किट देखिए, इसके अंदर एक MCB मतलब एक किट लगी हुई है, इसके अंदर एक किट लगी हुई है और बैटरी के वायर है। मैंने बैटरी पहले ही निकाल ली है, ख़राब हो चुकी थी इसीलिए। और जो अपने बैट पर लगे हुए नेट पर जो वायर लगे हुए है उसको हमें हटा देना है। मैं उसको हटा दूंगा इस तरीके से, जो कि अपने रैकेट पर जा रहे हैं मतलब जाली पर, उसको भी मैं हटा देता हूँ दोनों वायर को। और एक काम आपको बैटरी निकालने के बाद ही करना है, और इसके बाद बीच में भी एक स्क्रू लगा उसको भी खोल देता हूँ, जो कि अपना इन्वर्टर अपन पोर्टेबल बना सकते हैं, किस कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं इस इन्वर्टर को। और जो चार्जिंग का सॉकेट है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ। देखिए, ये अपनी किट निकल चुकी है इसमें से। इसके बाद कुछ इस तरीके से किट है वो इन्वर्टर वाली। और इसके बाद अपने को जो उसका पुश वाला स्विच है उसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है कि हमेशा वो ऑन ही रहे। मैं उसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। और अपना होल्डर का वायर लगाने के लिए मैंने वायर छील लिया है। जिस तरीके से वायर आपको होल्डर लगाना है, जिससे कि मैं आपको लाइट जला कर दिखाऊँगा अपने इन्वर्टर से। होल्डर मैंने लगा दिया है, होल्डर का ढक्कन भी मैं लगा देता हूँ, जो कि अपना इन्वर्टर काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हमने लाए अपने चैनल पर। अपने चैनल पर एक हेलीकॉप्टर का गिव अवे चालू है, आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने वायर को जोड़ दिया है, जहाँ पर अपने नेट के वायर जा रहे थे वहीं पर मैंने वायर जोड़े हैं, जो कि अपने लाइट वाले इन्वर्टर वाले मतलब लाइट जिससे जलेगा। और जो आप वाइट और रेड वायर देख रहे हैं वो अपने बैटरी में लगेंगे। मैं बैटरी लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। लिथियम बैटरी का जो मेरे पास, मैंने थोड़े से वायरिंग उल्टी कर दी थी। ब्लैक वाला अपना पॉजिटिव है और रेड वाला नेगेटिव, जो कि अपने बैटरी से वायर आ रहा वो वाला। मैंने एक बल्ब निकाल लिया घर में से, इसको मैं जला कर दिखाऊँगा, लेकिन ये ज़्यादा वाट का था इसलिए मैंने दूसरा बल्ब लिया। फ्रेंड्स, पहले मैंने देख लिया कि ये 9 वाट का है, इसलिए मैंने दूसरा बल्ब 3 वाट का लगभग ले लिया था इसको जलाने के लिए। स्विच को ऑन करने के बाद जैसे मैंने होल्डर में लाइट लगाया, अपना लाइट जलने लगा। मैं आपको ये आपको कैमरा में कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मतलब वीडियो में फ्लक्चुएशन दिखता है, ये जो करंट एकदम वेव्स में नहीं आता है इसका करंट, इसलिए फ्लक्चुएशन अपने कैमरा में, नहीं तो आंखों से देखोगे तो अच्छे से जल रहा है। हेलो गाइस, तो अपने इन्वर्टर ने काफ़ी अच्छे से काम किया, जैसे कि आपने देखा कि लाइट जलता है। मैंने आपको जलाकर भी दिखाया, अंधेरे में भी दिखाया, काफ़ी अच्छे से अपने इन्वर्टर ने काम किया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।